छह लक्षण जो बताते हैं कि आपका लिवर आपकी लाइफस्टाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लिवर शरीर का सबसे बड़ा और भारी अंग होता है। लिवर का मुख्य काम खून में से रसायनों को नियंत्रित करना है। ये एक प्रोडक्ट भी छोड़ता है जिसे बाइल कहते हैं। ये टॉक्सिन्स या वेस्ट को लिवर से बाहर निकालने में मदद करता है। सारा खून पेट और आंत से निकलने के बाद लिवर में जाता है। लिवर इस खून को प्रोसेस करता है और पूरे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स बनाता है। आपके लिवर का हर वक्त हेल्दी रहना जरूरी है। अगर ये अनहेल्दी हुआ तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, जिससे हमारे नए वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। छठा, ब्लड शुगर का कम होना। हेल्थ लाइन के अनुसार आपके लिवर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है। अगर आपका लिवर ज्यादा डैमेज हो गया है तो ब्लड शुगर लेवल गिरने लग जाएगा। आपके खाना खाने के बाद आपका लिवर ग्लूकोज को प्रोसेस और प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर इसमें क्षमता नहीं होगी ग्लूकोज को खून में छोड़ने की, तो आपका ग्लूकोज लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, जो अत्यधिक थकान का कारण बनता है। पांचवा, हार्मोन इम्बैलेंस। आपका लिवर आपके हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है। अगर आपका लिवर बहुत डैमेज हो चुका है तो ये टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लेवल्स में असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे पीएमएस सिम्टम्स और लो लिबिडो जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्या आप इनमें से किसी भी लक्षण को पहचान पाए हैं? वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप अपने लिवर हेल्थ को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। चौथा, बेवजह मूड स्विंग होना। आपका दिमाग आपके मूड और मेमोरी को कंट्रोल करता है। अगर टॉक्सिन्स आपके दिमाग में पहुंचने लगे तो आप मूड स्विंग्स का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं और चीजें भूल भी सकते हैं। कई एंजाइटी और डिप्रेशन केसेस में तो लिवर को बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर आप अकारण मूड स्विंग्स और मेमोरी लॉस को देखना शुरू करते हैं तो हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। तो आगे देखें इनसे भी ज्यादा खतरनाक संकेतों को, जो बताते हैं कि आपका लिवर आपकी लाइफस्टाइल को अब नहीं झेल सकता है। तीसरा, कमजोर इम्यून सिस्टम। कई लोग इस बात का एहसास नहीं करते हैं, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को बनाने में लिवर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स देता है। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल कर उन्हें शरीर में फैलने से बचाता है। द मेयो क्लिनिक का कहना है कि अगर आपका लिवर ऐसा नहीं कर सकता है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमजोर, थका हुआ या बीमार महसूस कर रहे हैं, तो ये आपके लिवर के कारण हो सकता है। अगर आपको कमजोरी का एहसास और वीडियो में बताए गए दूसरे लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि कहीं आपका लिवर खराब तो नहीं। दूसरा, स्लीपिंग डिसऑर्डर। क्या आपने कभी खर्राटे लेने वाले के बगल में सोने का अनुभव किया है? ये इरिटेटिंग लगता है और इससे निपटना कष्टदायी हो सकता है। कुछ मामलों में व्यक्ति के खर्राटे लेने का कारण उनके सांस की नली का जाम होना होता है, और ये 2-3 मिनट तक जाम रह सकती है। पर अगर आपको बताया गया है कि आप खर्राटे लेने लगे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना लिवर चेक कराएं। आप सोचेंगे क्यों? वो इसलिए कि मैनेजिंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस इन सिरोसिस के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसे इंसोम्निया, स्लीप एपनिया जिससे खर्राटे होते हैं, और दूसरे स्लीप डिसऑर्डर्स लिवर सिरोसिस से जुड़े सामान्य लक्षण हैं। स्टडी ये भी कहती है कि स्लीप डिस्टर्बेंस किसी व्यक्ति के जीवन और उनके सोचने समझने की शक्ति को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है, और जो लोग लिवर की बीमारी से जूझ रहे हैं वो लेग सिंड्रोम और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का भी अनुभव कर सकते हैं। पहला, क्रॉनिक फटीग। द मेयो क्लिनिक का कहना है कि इम्यून सिस्टम कमजोर होने के साथ अगर आपका लिवर डैमेज्ड है तो आप क्रॉनिक फटीग का भी अनुभव कर सकते हैं। इससे आपको नींद की कमी, कमजोरी और बेचैनी हो सकती है, और अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं और नींद पूरी नहीं ले पा रहे, तो आपके दिमाग में एक धुंधलापन सा महसूस होने लगेगा। आप खुद को कंफ्यूज्ड और भुलक्कड़ सा महसूस करने लगेंगे। साथ ही अगर आपका लिवर ज्यादा काम कर रहा है तो खून को ढंग से साफ नहीं कर पाएगा,
जिसकी वजह से पूरे शरीर में टॉक्सिन्स फैलने लगते हैं। कुछ मामलों में तो ये टॉक्सिन्स दिमाग तक पहुंच जाते हैं और आपके स्लीप पैटर्न्स पर असर डालते हैं। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन और रोजाना के डिसीजंस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। अब जब आप इन 6 कारणों को जान गए हैं कि क्यों आपका लिवर आपकी लाइफस्टाइल को अब नहीं झेल सकता है, तो जाने इन तरीकों के बारे में जिनसे आप अपने लिवर की सेहत को सुधार सकते हैं, जिसमें आपको क्या खाना और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करना चाहिए जैसी चीजें शामिल हैं। अगर आप अपने लिवर को ठीक करना चाहते हैं तो पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है अपनी डाइट को पहचानना। शुरुआत फल और सब्जियों को शामिल करने से करें। लिवर को ठीक से काम करने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसमें फल और सब्जियों से ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हों। दूसरी चीज जो करनी है वो है फूड एडिटिव्स को छोड़ना। हालांकि आपका लिवर इसे फिल्टर कर सकता है, लेकिन लिवर पर जोर क्यों डाला जाए जब उस पे पहले से ही इतना ज्यादा है, उसे थोड़ा आराम दें। ऐसे कई प्रकार के खाने आप खा सकते हैं जो आपके लिवर के लिए अच्छे हैं। हेल्थ लाइन के अनुसार अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को सुरक्षित रखते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हेपेटिक फाइब्रोसिस की कंडीशन को कम करने में मदद करते हैं, जिसके कारण लिवर में कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं। इस कंडीशन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। आपको अपनी डाइट में ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज भी शामिल करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में एंथोसायनिंस होते हैं। एंथोसायनिंस एक एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर को हेल्दी रखता है और उसे डैमेज से बचाता है। हेल्थ लाइन का ये भी कहना है कि चूहों पर की गई स्टडी में पाया गया कि बेरीज से लिवर में स्कार टिश्यू का विकास कम हो जाता है। साथ ही हेल्थ लाइन के अनुसार अंगूर के कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और लिवर को डैमेज से बचा सकते हैं। लिवर हेल्थ को सुधारने के लिए विशिष्ट खाद्य पदार्थों को खाने के साथ ही आपको बहुत ज्यादा शराब पीने से भी बचना चाहिए। इसे थोड़ी मात्रा में पीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा पीते हैं तो आप अपने लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आसानी से बचा जा सकता है। कई केसेस में लिवर इसलिए खराब होता है क्योंकि लोग रोजाना ज्यादा मात्रा में शराब पीते हैं। थोड़ी ड्रिंक्स लेना ठीक है, लेकिन अपने लिवर को शराब से ओवरलोड कर देने से वो ज्यादा डैमेज हो सकता है। कुछ मामलों में तो ये नुकसान ठीक ही नहीं हो पाता है। ये लिवर को इतना क्यों प्रभावित करता है? इसका कारण ये है कि लिवर इसे एक टॉक्सिन की तरह प्रोसेस करता है, और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि शराब का लिवर पर जहरीला प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे आसान तरीका है शराब के सेवन को कम करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल की मदद लें, क्योंकि हो सकता है कि आप अल्कोहलिज्म से जूझ रहे हों। हेल्दी डाइट को मेंटेन और शराब के सेवन को कम करने के साथ ही आपको हेल्दी और एक्टिव रहने की भी कोशिश करनी चाहिए। एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ ही मेंटल हेल्थ को भी सुधार सकती है, और आपको पैकेज्ड गुड्स के साथ चीनी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और रिफाइंड अनाज को भी खाने से बचना चाहिए। एक आखिरी चीज जो आप अपने लिवर की हेल्थ को सुधारने के लिए कर सकते हैं वो है अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम लें। डॉक्टर एक्स का कहना है कि आपके हॉर्मोन्स लिवर हेल्थ में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप स्ट्रेस को कम करने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं तो आप हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल यानी HPA से होने वाले इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो HPA में बदलाव आ सकता है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो सकता है और जो लिवर डैमेज का कारण बन सकता है। तो स्ट्रेस कम लें और पॉजिटिव रहें। डॉक्टर एक्स का कहना है कि डैमेज्ड लिवर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है, तो अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करें और पॉजिटिव रहें। अगर आपको लगता है कि आपका लिवर खराब हो गया है तो घबराएं नहीं, जाएं और अपना लिवर टेस्ट कराएं, ये पता लगाने के लिए कि कहीं लिवर खराब तो नहीं है। अगर आपको लिवर के खराब होने का पता चलता है तो अपने डॉक्टर की सलाह को सुने और लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव करने के लिए तैयार रहें। अगर लिवर टॉक्सिन्स को वेस्ट में नहीं बदल पा रहा है तो वो वहीं इकट्ठा होता रहेगा जब तक लिवर उसे निकालने के लिए हेल्दी नहीं हो जाता। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपका लिवर अनहेल्दी हो जाता है तो वो फेल होने लगेगा।
अगर लिवर खराब हो रहा है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। आप बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से भी जूझ सकते हैं। लिवर के खराब होने पर आपके दिमाग में भी सूजन हो सकती है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए लक्षणों को महसूस करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका लिवर आपकी लाइफस्टाइल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा हो तो आपको कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं जिससे आपके लिवर हेल्थ और साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो सके। तो अपनी हेल्थ को कभी हल्के में ना लें। अब जब आप इन 6 संकेतों को जान गए हैं कि आपका लिवर आपकी लाइफस्टाइल को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में रहे, वो कौन से तरीके हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, हमें अपनी हेल्थ टिप्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।